धरती पर एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है और इससे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत पर इसका कोई असर होगा। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट में ये जानकारी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने दी। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने बताया है कि सौर तूफान दरअसल सूर्य द्वारा सौर मंडल में प्रक्षेपित कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और सामग्री का अचानक विस्फोट है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की ओर आने वाला सौर तूफान दूरसंचार और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक इसकी निगरानी कर रहे हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विशेषज्ञों ने इस बारे में कहा कि उन्होंने भारतीय उपग्रह ऑपरेटर को सभी सावधानियां बरतने के लिए सूचित कर दिया है। अगले कुछ दिन पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि कुछ दिन पहले जो सौर ज्वाला भड़की थी वह ताकत के मामले में मई में हुई ज्वाला के समान है। वैज्ञानिक ने बताया कि सौर तूफान की आशंका को देखते हुए हम मैग्नेटोस्फीयर की भी निगरानी करेंगे। हालांकि हम इंतजार करना चाहेंगे क्योंकि इसे पृथ्वी से टकराने में कुछ दिन लगते हैं। हम आज रात या कल रात की उम्मीद करते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि भविष्यवाणियां ये हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। बता दें कि मई में आए तेज सौर तूफान के कारण पूरे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा दिखाई दिया था। सौर तूफान जब पृथ्वी की ओर आता है तब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है जिसे भूचुंबकीय तूफान कहा जाता है, जो रेडियो ब्लैकआउट, बिजली कटौती और सुंदर अरोरा जैसे प्रभाव पैदा कर सकता है। हालांकि वे पृथ्वी पर किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण हमें इन सब बुरे तूफानों से बचा कर रखते हैं।